और मासी जी ने हमको नियुक्त किया यहां घी ले जाने के लिए यज्ञ में, और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने हमको एक आदेश दिया था कि जो यज्ञ लेकर के आए वो पवित्र होकर के आए और किसी कामी जन के ऊपर दृष्टि नहीं डाले, परंतु तूने इन खट्टी नायक महा छलिया इन श्याम सुंदर के साथ में केवल इनका मुखदर्शन ही नहीं किया बल्कि इनके साथ में तूने तो बहुत देर तक बात भी की है, इसलिए तू दूर है, दूर है, तूने उनके साथ में झगड़ा किया है, दूर है, दूर है। ललिता जी उस समय पूछ रही है विषाद का अभिनय करते हुए 365वें परिच्छेद में हम देख रहे हैं 365वां परिच्छेद श्री ललिता जी कह रही है विषाद का अभिनय करते हुए कि सखी विशाखे तू ठीक कह रही है, मैंने मुक्तता में इस नियम को भुला दिया, अब इसकी क्या निष्कृति हो सकती है उसका भी विचार कर। उस समय श्री वृंदा जी हंसती हुई बोली कि सखी यज्ञ पुरुष विष्णु उनका स्मरण कब? हाँ हो गया, कहाँ कहाँ से? अच्छा 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 78 हाँ अच्छा 78 फिर बंदर हो गया। हाँ तो श्री श्याम सुंदर कई जो गोपी हैं उन कई गोपियों को सब गोपियों को छूने का प्रयत्न करते हैं, ललिता कह रही है न दोषो पंचमिसाव, पांच लोगों के साथ में दोष नहीं है, इसलिए जैसे आपने मुझे छुआ है ऐसे इन सारी गोपियों को भी छीन। और उस समय श्री श्याम सुंदर एक एक गोपी के पास में आते हैं, श्री राधिका के पास में आते हैं, वे विशाखा के पीछे छिप जाती हैं और भ्रु भंगिमा टेढ़ी करती हुई कह रही है के श्री राधिका कुछ के भूरणा भूभंगे अधिक्ष करती सदर्मस्मिता। श्री ललिता जी ने कहा अरे राधिका तू मेरे पीछे क्यों छिपना चाहती है, अरे गांधर्व के 376 में लिखे अरे गांधर्व के धूर्त मौलिना बुद्ध के नौ अनुद्धता धूर्त श्रोमणि इस लुब्धक लोही श्याम सुंदर ये जब तेरा पीछा कर रहे हैं अनुद्धता ये तेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो फिर तू कस्मात एनाम पंचमुखी त्यक्त्वा एका कुरंगे काम शरणं गच्छति। ललिता जैसी सिंहमुखी उसका त्याग करके ललिता को छोड़ करके तुम अकेली मुझे सिंहमुखी एक कुरंगे का हरणी के सहारा क्यों ले रही हो, ललिता का सहारा लो मेरा सहारा क्यों ले रही हो। श्री विशाखा जी उस समय कह रही है नहीं मुझे सिंहनी का सहारा ले इस विशाखा का क्यों सहारा ले रही हो। ये ललिता जी ने कहा तस्मा ममांकम अलंकुर त्वरितम इसलिए मेरे पास में आ जा मैं तुझे बचाऊंगी, त्वरितम शंका को भूत्वा पलायते ईशा ये श्याम सुंदर यदि तू मेरी शरण ग्रहण कर लेगी अरे सखी राधिके ये तू मेरी शरण ग्रहण कर लेगी तो ये श्याम सुंदर अपने आप यहां से भाग जाएंगे पलायन कर लेंगे। ये गांधर्व का कह
मतलब ये है कि गंधर्व नाम का एक छोटा सा मृग की एक जाति है। गंधर्व सर्वो राम गवेश शशिर ये प्रकृष्ट पशु विशेष है, एक छोटा पशु विशेष है वो गंधर्व का। तो एक छोटे से पशु विशेष होकर के गंधर्व का होकर के गंधर्व माने छोटा सा पशु विशेष मृग जाति का, उसके पीछे मृगयु ये शिकारी यदि पड़ा है तो फिर तू ललता का आश्रय ग्रहण कर। सेनी का पंचमुखी जो ललता है, पंचमुख माने शेर, शेर के चार हाथ पैर होते हैं और एक मुख, ये पांचों ही उसके मुख है, इसे शेर का नाम है पंचमुख। तो मुझे पंचमुखी शेरनी का त्याग करके क्यों इनका आश्रय ग्रहण कर रही है। श्री राधे का कौतूहल पूर्वक कटाक्ष पूर्वक श्री ललता के ऊपर आक्षेप करती हुई कह रही है सर्व स्मृतम के विश्वंग खाते चरा उपरुद्धि शुद्धा विश्वंग तस्वम स्वग्रहात् क्लेशी लोहात्कृतं यद् निजं व्यदनो तदस्तु किं दूषयत्यपि सतीस्तपसेन देवी। कि अरे विश्वंग घातिनी माने विश्वास घातिनी, तू ही हमको चिराग उपरुद्धि शुद्धा बड़ी शुद्धा बन करके और चिराग उपरुद्धि हो हमारी बड़ी प्रार्थना करके हमसे आग्रह करके विश्वम इरना स्वग्राहक अनेशी विश्व हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न करके तू हमको हमारे घरों से निकाल करके यहां ले आए। और लोहात्कृतम निजम व्यथनो स्तरस्व यदि तू लोह के कारण इस घट्टी पाल की प्रिया बनना चाहती है और अपने व्रत का त्याग करना चाहती है तो कर दो। तो लोहा व्रतम यदि निजम अपने व्रत को व्यधनो व्यधनो यदि तू नष्ट करना चाहती है तदस्तु तो ऐसा तू करती रहे। किम दूषयति अपि सती तब से न देवी, परंतु हम सतियों को भी क्यों दूषित करना चाहती है, श्याम सुंदर को प्रेरित करके क्यों हमको भी तू दोष लगाना चाहती है कि श्याम सुंदर हमारा भी स्पर्श कर ले। तब से न देवी अली देवी हमारे ऊपर क्या तू कृपा भी करेगी, तुझे लज्जा नहीं आती है, इसलिए कि दूषित या सती सतियों को दूषित करते हुए भी किम तब से न अली देवी क्या तू लज्जित नहीं होती है। ललता कह रही है हाँ दिखा दिख, बड़े दुख की बात है सखी वृंदे बढ़ाई कथम शुद्धा भविष्य भविष्यामि मैं कैसे शुद्ध हो सकती हूं, इसका कोई उपाय बता। श्री वृंदा जी कह रहे हैं कि कृतम एदया चिंतया अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, निकुंज महातीर्थे रथ बल्लभ जागरिया प्रत्ये प्रारब्धे, तो निकुंज के निकुंज रूपी महातीर्थ में जाकर के मैं अब तुझे प्रायश्चित करता हूं। तो ये शुद्ध होने का प्रायश्चित ये है कि निकुंज रूपी तीर्थ में जाकर के रथ बल्लभ जागरिया व्रत, रथ बल्लभ जागरी जागरण व्रत, व्रत का नाम है रथ बल्लभ जागरण व्रत। रथ बल्लभ कौन है माने कामदेव, कामदेव महाराज का जागरण करते हुए यदि तू व्रत करेगी तो तू शुद्ध हो जाएगी। इसलिए
इस व्रत का तुम पालन कर, रतवल्लभ श्री शांतनु श्री कामदेव माने शांतनु उनके साथ में जागरण करने का जो व्रत है उसको करती हुई तू विराजमान हो। यदि तू निकुंज रूपी महातीर्थ में कामदेव महाराज के साथ जागरण रूपी महाव्रत को करेगी तो तब तावत अगस्त्य संभावना भी न का, कौन सा ऐसा पाप है जिसकी संभावना भी तब रह जाए, अर्थात वहां पर रहने पर तुझे कहीं भी किसी भी प्रकार के पाप की संभावना नहीं रहेगी और तेरा जो पाप है वो पाप सब अगर दूर हो जाएंगे। इसलिए आ सके इस व्रत का पालन कर ले। श्री ललिता जी को बड़ा सुंदर उपाय बताया है कि मैं कैसे शुद्ध हूं, बोले शुद्ध होने का ये है कि तीर्थ में रह करके व्रत करना चाहिए। तो निकुंज है तीर्थ, वहां पर कामदेव देवता का व्रत करते हुए तू विराजमान। श्री कृष्ण सखियों को के द्वारा जब ललिता जी को श्याम सुंदर को प्रदान किया गया उस समय कह रहे हैं कि केल कुतूहल तया कुतस्वर कर्मणि मंत्रोस्मि, कि हाय देखो क्रीड़ा के कुतूहल में आकर के मैं अपने कर्म में क्यों मंथर हो रहा हूं, अर्थात मुझे जल्दी से अपना कर ग्रहण करना चाहिए और ये सखियां केवल हमको घुमा रही है। कभी कहती है वृंदा उनको दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं ललिता हमको उनको दे रहे हैं, परंतु हमारा कर पूरा हो नहीं रहा है, हमारा जितना धन है वो हमको मिलना चाहिए, इसलिए केल कुतूहल इनके साथ में वार्तालाप करने के बदरस में आकर के हम अपने कर्म में मंथर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तदे शुक्लार्थम उद्यम साधिया, इसलिए अपने शुल्क को ग्रहण करने के लिए अब मैं प्रयत्न करता हूं। ऐसे समय कहा श्री नांदी मुखी कह रही है ललते प्रेक्ष प्रत्याशी गति मध्यान्ह, अभी ललता देख मध्यान्ह काल आने वाला है, तब कथ्यता किया शुक्ल युष्माकम संभवता, अरे इनसे पूछ अब इनको कितना कर और चाहिए, अच्छा लेन देन की बात करो जी, ये बातचीत बहुत हो गई, अब कितने में तुम मांग जाओगे, ये इनसे पूछे। नानी मुखर्जी कृष्ण की ओर से ये बात कह रहे कि किया शुक्ल है युष्माकम संभवता है, जब बहुत ज्यादा खींचातानी होती है ग्राहक में और विक्रेता में, क्रेता विक्रेता में, तो अंत में कोई एक एक कहता है अच्छा ये बताओ कितने में बात करेगी, कितने में तुम राजी हो जाओगे, तो वो इंसानी कह रही है कि इनसे पूछो कि किया शुक्ला युष्माकम संभवता, तुम कितना शुल्क लेने के लिए तैयार हो कम से कम, क्योंकि मूल्य निर्धारण का एक नियम है कि क्रेता अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है, विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य लेना चाहता है और क्रेता कम से कम मूल्य लेना चाहता है, इसके बीच में जहां घटते घटते एक नीचे से बढ़ेगा एक ऊपर से घटेगा, जहां पर बीच में समझौता हो जाए वो ही वस्तु का मूल्य होता है। तो इनसे पूछो ये कैसे काम पर संबंध है। श्री ललिता कहती है कि हम तो दामिंद्र यद्यपि अस्माकं पंचपादिका एवात्र युक्ता तदपि यन्मुखम अपेक्षेषा मणिमुद्रा उपनीता, कि शास्त्र ईमानदारी की बात यह है कि हमारे पांच घड़े हैं, इन पांच घड़ों के लिए पंच पादिका माने 200 कौड़ी
एक पात्रा होती है चत्वारिंशत् कर्णिका की, 40 कौड़ी की एक पात्रा होती है, तो 520 मान 200 कौड़ी वो तुम्हारा कर ईमानदारी का होता है। फिर भी तुम्हारा अत्यंत आग्रह है, तुम्हारा मुख देख करके हम तुमको ये मणि मुद्रा प्रदान करती है। ऐसा कहकर के ललिता जी ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार करके श्याम सुंदर के हाथ पर रख दी। कह रहे हैं बनते तो हैं केवल 200 कौड़ी, परंतु 200 कौड़ी न देकर के हम ये मणि की अंगूठी तुमको प्रदान करते हैं, मणि मुद्रा का तुमको प्रदान करती है। श्री नारदी मुखी जी कह रही है कि ओ बंदे श्री ललिता ऐसा कहकर के चित्रांगदे आपस्य मुद्रिका पूर्णता उपास्थास्यति, ऐसा कहकर के श्री ललिता जी अपनी कन्नी उंगलिया की चित्रांगन चित्रांगुल मान कन्नी जो उंगलिया है उंगली है उसकी एक अंगूठी निकाल करके पूर्णता उपन्यास्यति श्याम सुंदर के आगे उपस्थित कर दी है। श्री कृष्ण व्याधा पर क्रोध दिखाते हुए कहते हैं कि सखे क्षिप्र क्षिप्र क्षिप्रता क्षिप्र क्षिप्रता अंतिमूर्धनी क्षुद्रे मुद्रिका गोवर्धन पर्वत के शिखर के ऊपर इस तुच्छ मुद्रिका को फेंकते फेंकते मधुमंगल देखा स्वर्ण उस समय मुद्रिका को श्री ललिता जी के हाथ से उठाता है और स्वर्ण उठा करके और जैसे उस मुद्रिका को फेंक रहे हैं, फेंकने की मुद्रा तो बनाए परंतु तो फेंकते नहीं है उसको हाथ में चपा दिए तो प्रक्षेप मुद्रा आविनी हो केवल फेंकने की मुद्रा उसका अभिनय करते हुए मुद्रिका करे संगोपयती मुद्रिका को अपने हाथ में ही छुपा देते। ललिता क्रोध सहित कहती है कि वृंदे दृष्टम तो या दुर्लभा मणि मुद्रिका प्रक्षिप्ता, देख ले इस सुबल ने दुर्लभ मणि की मुद्रा उसको भी फेंक दिया। श्री नारदी मुखी कह रही है कि हला यथा तस्य नव निधि नाम अधिपते कुबेरस्य महा चिंता मणि मनीषते सागर प्रसादते हस्ते छिद्र कपर कपर्दे का निक्षेपे निक्षेप तथैव एष युष्म व्यवहार। बोला अभी सखी तुम्हारा भी तो दोष है, ये नारदी मुखी जी बिल्कुल श्याम सुंदर का पक्ष ले रही है, तुम्हारा भी तो दोष है, तुम तो बोल वाली बात कर रही हो यथा तस्य नव निधि नाम पते कुबेर कि नौ निधियों का पति कुबेर नव निधि उनका स्वामी कुबेर वो यदि किसी के सामने महाचिंतामणि मनीषिते ये आशा करते हुए कि मुझे अब कोई महाचिंतामणि प्रदान करेगा और सागर वो अपना हाथ फैलाए और उसके हाथ के ऊपर तो सागर प्रसाद के हस्ते छिद्र कपर कपर्दे का निक्षेप कोई तुच्छ कौड़ी फूटी हुई कौड़ी रख दे तो गुस्सा पाएगी, ऐसी तुम्हारा व्यवहार है। श्याम सुंदर के आगे वे तो चाह रहे हैं कोई और चीज तो तुम उनके आगे केवल एक अंगूठी रख रहे हो तो इसको तो फिर वे फेंकेंगे। तो जैसे नवनिधि का अधिपति कुबेर वो महान
चिंतामणि की आशा करते हुए सागर अपना हाथ मांगने के लिए फैलाए और उसके हाथ के ऊपर कोई फूटी हुई कौड़ी रखे तो उसका जैसा व्यवहार होगा ऐसा ही तुम लोगों ने व्यवहार किया है। तुमको ऐसा व्यवहार श्याम सुंदर का शकल देख करके फिर श्याम सुंदर का पूजन करना चाहिए। देवता के अनुसार पूजा होती है, तुम इतने बड़े आदमी की ऐसे पूजा करोगे तो ये कैसे काम चलेगा। ललिता जी मनी मन में कहती है कि द्वयो उत्कंठित आश्वासन भंग्या दृश्य। मनी मन में विचार कर रही है आप दोनों प्रियालाल राधा कृष्ण दोनों के दोनों अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं, इसलिए अब मैं एक काम करती हूं आश्वासन भंग्या दृश्य, इनको आश्वासन की प्राप्ति हो ऐसा कोई उपाय करती हूं। ये दोनों ही उत्कंठित हैं, इनकी उत्कंठा की शांति करने के लिए इन दोनों को आश्वासन प्रदान करने का कोई कार्य करती हूं। ऐसा मन में सोच करके श्री राधिका के पास में घूमी और जनांतिक श्री राधिका के कान में आकर के कह रही हैं कि हला राधे यथार्थ दानम बिना दुर्लभम अस्माकम एतत् प्रस्थानम्। जब तक तुम उचित दान नहीं दोगी तब तक ये समझ लो कि हम लोगों का यहां से प्रस्थान करना कठिन है। यथार्थ दान के बिना हमारा यहां से प्रस्थान कर सकना अब मुश्किल ही दिख रहा है। अब कथा को स्मरण कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं यहां से निकलना हमारा दुर्लभ ही है। तब तब कंठस्थितम हारम एव श्रुति कुर्मा। मैं एक काम करती हूं तेरे गले में जो हार पहन रखा है इस हार को उतार करके श्याम सुंदर को दे देती हूं। अंगूठी में काम नहीं चलेगा, हार को कम से कम देना चाहिए। ऐसा कहकर के बलात एव हारम उतार बलपूर्वक श्राद्ध का करे नहीं 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 परंतु श्री ललिता बलपूर्वक हार को उतार करके सन्नर्म स्मितम मुस्कुराती हुई कहती है कि उत्कंठित कस्मात अधीरासी ऐसा निष्ठसार था मुक्त का बली प्रति कृष्णम अलंकर तुम चलता। क्या अलि उत्कंठिता राधेगा उत्कंठित उत्कंठिता एक नायिका है जो नायक से मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो। तो अलि उत्कंठित कस्मात अधीरासी अलि उत्कंठित राधिके क्यों अधीर हो रही है देख ऐसा विशिष्टता था मुक्त का वली धूति तेरे गले में पहनी हुई ये मोती रूपी जो धूति है इस धूति को मैंने कृष्ण का अलंकरण करने के लिए भेजा है। ये धूति आज कृष्ण का अलंकरण करने के लिए यहां से चल दी है। धूति तीन प्रकार की होती है, एक निशिष्टार्थ एक धूति होती है पत्रहारिणी और दूसरी होती है तीसरी होती है धूति। तो निशिष्टार्थ धूति पत्रहारिणी और संदेशवाहिनी ये तीन तरह की धूति है। पत्र वाहिनी का काम केवल पत्र पहुंचा देना है, जो धूति है उसका कार्य है कि श्याम सुंदर के पास में संदेश को भी पहुंचाना। पंत विशिष्टार्थ धूति का काम है कि श्याम सुंदर के पास में केवल संदेश को नहीं पहुंचाएगी बल्कि वो केवल संदेश को ही पहुंचाएगी बल्कि संदेश के साथ साथ उस संदेश को श्याम सुंदर तक श्याम सुंदर के संदेश को भी वापस लेकर के आएगी उसका नाम है निश्चितार्थ धूति। तो धूति और निश्चितार्थ धूति इन दोनों में अंतर यही है कि धूति जो है वो तो केवल संदेश को पहुंचाती है और निश्चितार्थ धूति श्याम सुंदर को मिलाती भी है केवल इतने भी संतोष नहीं कि वो वहां पर पहुंचा दे
बल्कि वो मिलाती भी है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये विशिष्टाचार पूर्ति माला जो है वो मोती की माला, ये ही एक पूर्ति है। इस ये पूर्ति आज भी शास्त्र के पास में चली है, पहुंच रही है। अली सके तो घबराए मत, श्री शास्त्र अवश्य ही यहां आएंगे, ये पूर्ति उनको लेकर के ही आएंगे, क्योंकि ये केवल संदेश वाहिनी नहीं है, पत्र वाहिनी नहीं है, बल्कि ये विशिष्टार्था पूर्ति। इसलिए तत् अभिसारे सज्जा भव, इसलिए तू अब अभिसार करने के लिए तैयार हो जा। विन्यस्त कार्य धाराया द्वाभ्याम एक करे वा युक्तो भव घटे एषा निशिष्टार्था निगद्यते। निशिष्टार्था पूर्ति का लक्षण टीका में निरूपण कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के, विन्यस्त कार्य धाराया जिसके ऊपर किसी कार्य का भार सौंपा हुआ हो, द्वाभ्याम एक करे वा, चाहे शांतिदर के द्वारा चाहे श्री राधिका के द्वारा, किसी के भी द्वारा जिसके ऊपर नायक नायिका दोनों में किसी एक के द्वारा जिसके ऊपर कार्य का भार सौंपा है, युक्तिया उभव घटे, जो युक्ति लगा करके प्रिया लाल दोनों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार मिला दे, उसका नाम है निशिष्टार्था पूर्ति। पत्र आदि वगैरह जो दूती है संदेशाग्नि पत्रहाग्नि, वे या तो मुंह से संदेश कह देंगे या पत्र का पहुंचा देंगे, मिलाना ही उनका काम नहीं है, केवल पोस्टमैन बनकर के चिट्ठी को पहुंचा देना ये उनका काम है, परंतु निशिष्टार्था पूर्ति केवल संदेश ही नहीं देती है बल्कि प्रियालाल दोनों को मिलवा भी देती है। तो ये परिश दूती जो मोती की माला रूपी दूती है, ये हे श्री राधे के तुझे श्याम सुंदर से अवश्य ही मिला देगी, इसलिए उत्कंठित मत हो, उत्कंठित मत हो। श्री राधे का उस समय ललिता जी के ऊपर क्रोध करते हुए कह रही है कि अरे संभोग संदंभिणी अलम अनेनो दंभ गंभीर गंभीर आरंभेण, बोले अरे स्वयं मिलन करने के लिए उत्सुक संभोग संग्रमणी, स्वयं मिलन करने के लिए उत्सुक अलम अनेन दंभ गंभीर आरंभेण, तू जो दंभ पूर्वक माने मन में कुछ है अपने अभिमान को दंभ पूर्वक माने अपने आप को ज्यादा दिखाती हुई, जो दंभ गंभीर मां मिलने के लिए उत्सुक है और गंभीरता दिखा रही है, तो ऐसी दंभ पूर्वक जो गंभीरता है उसकी चेष्टा करने से अब रहने दे रहने दे। अत्र विवाद महामखे अदक्षिणा दक्षिणा निर्गता, इस विवाद रूपी महायज्ञ में भले तू अदक्षिण माने बाण है पर हमने तुझे दक्षिणा के रूप में दे दिया, श्लेष्मक का प्रयोग है यमक का कि अदक्षिणा माने है तो तू बाण पर तुझे दक्षिणा के रूप में इस यज्ञ की पूर्ति के लिए हमने तुझे प्रदान कर दिया। किसी भी यज्ञ में कहीं भी कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा देने से वो यज्ञ पूरा हो जाता है, यज्ञ भगवान की शक्ति का नाम है दक्षिणा। श्री मनु महाराज के यहां पर यज्ञ और दक्षिणा ये जोड़ा उत्पन्न हुआ और यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा से ही है, दक्षिणा नहीं है तो यज्ञ की पूर्ति नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि ये विवाद रूपी यज्ञ जो प्रारंभ हुआ है इस विवाद रूपी यज्ञ में दक्षिणा जब तक नहीं दी जाएगी तब तक यज्ञ की पूर्ति होगी नहीं, इसलिए अरे ललिता हमने ही तुझे दक्षिणा के रूप में श्याम सुंदर को दे दिया है।
प्रलय सखी भी, ये सखीगण परम प्रलय के साथ में दक्षिणा शाम सुंदर को प्रदान कर रही है, तुझे दे दिया, तू इस माला का भावना बना करके अपनी गंभीरता का दंभ मत कर, तू जो उत्सुक हो रही है हमने ही तुझे शाम सुंदर को दे दिया। तो ऐसा भोग संबंधी अरे मिलन के लिए उत्सुक होने वाली अलम अनेम दंभ गंभारे मां आरंभ हो, तू दंभ की जो गंभीरता दिखा रही है, ये दंभ की गंभीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस व्यवहार रूपी महान यज्ञ में हमने तुझको दक्षिणा बना दिया, भले ही तू अदक्षिणा है अर्थात बामा है, पर हमने तुझे दक्षिणा बना करके दे दिया है। सखियों ने ऐसे समय कहा श्री राधा ने, श्री ललिता कृष्ण का दर्शन करके कह रही है कि घटनाथ ऐसा अमरखा मौत का वली मैया उपनिधि करता, बोले हमने हे घट के स्वामी इस अनर्घा माने अमूल्य मोती की माला को हम आपके पास में सौंप रही हैं, इसको हम दक्षिणा की उपनिधि बना करके, दक्षिणा की प्रतीक बना करके आपको दे रही है, एक टोकन है, इस माला को हम एक टोकन के रूप में, एक उपनिधि के रूप में आपको समर्पित कर रही है। अर्थात अभी श्री राधिका की माला आई है, भाव यह है कि कुछ समय के पश्चात हम श्री राधिका को भी आपको समर्पित करेंगे, अभी तो ये प्रतीक रूप में हमने उपनिधि करता, केवल उपनिधि बना करके ये तुमको प्रदान की है, इसको आप ग्रहण कर। कृष्ण उस माला को समय देते हैं, मानो ये कह रही है अतः प्रदोष सुवर्णोपनयन पुनस्पत्तो मुझे तद्विहा, इस माला को हम छुड़ा करके ले आएंगे, अभी ये गिरवी रख रही है हम तुम्हें माला, और इस माला को हम छुड़ा करके ले आएंगे प्रदोष, कल प्रातः काल के समय सुवर्ण उपनयन